कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए गाइस आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं न्यू स्टाइल में मल्टी कलर में ग्लास फाउंड। यहाँ से मैं एडिट में आ जाऊँगी, यहाँ मैं नेम टाइप करूँगी, यहाँ मैं लिखूँगी क्वीन, यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी, ओके कर दूँगी। यहाँ से मैं स्क्रॉल करके यहाँ साइज़ में आ जाऊँगी, यहाँ से मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगी इसका और इसको यहाँ डन कर दूँगी। मैं यहाँ से फॉन्ट पे क्लिक करूँगी। शायद अगर आपको फॉन्ट डाउनलोड करने नहीं आते उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप इजीली अपने फ़ोन में फॉन्ट डाउनलोड करना सीख जाएंगे। मैं यहाँ से नेम को ट्रांसपेरेंट करूँगी, यहाँ से ट्रांसपेरेंट करूँगी, यहाँ से मैं कार्ड पर क्लिक करूँगी, सेव एज इमेज पे यहाँ अल्ट्रा पे क्लिक करूँगी और सेव टू गैलरी कर दूँगी। जी तो गाइस मैं आ गई हूँ PSCC में, मैंने यहाँ DP ऐड कर लिया। मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके नेम ऐड करूँगी, यहाँ से मैं फ़ोटो लेयर पे दो बार क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं नेम ऐड करूँगी, ये वाला नेम ऐड कर दूँगी और यहाँ इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इसकी दो डुप्लिकेट लेयर लूँगी तो ये तीन हो जाएंगी, एक ऑलरेडी है, यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं टू लाइन पर क्लिक करूँगी और यहाँ मैं इन्वर्ट पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं इसका ब्लाइंड मोड स्क्रीन कर दूँगी, यहाँ से सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूँगी और FX में जाऊँगी, यहाँ से मैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँगी, यहाँ से इसका ब्लर मैं 4 कर दूँगी, डिस्टेंस 6 कर दूँगी, एंगल 180 कर दूँगी और डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इसका ब्लाइंड मोड मल्टीप्लाई कर दूँगी, यहाँ से डन कर दूँगी, यहाँ से थर्ड लेयर को सिलेक्ट करूँगी और FX में जाऊँगी, यहाँ से मैं बेवल पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँगी, एंगल 135 कर दूँगी और इसका ब्लर और डिस्टेंस फॉन्ट के हिसाब से रखना होता है हमने, यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी, यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी। यहाँ से फिर मैं FX में जाऊँगी और बेवल दूँगी, फिर से मैं FX में जाऊँगी और बेवल दूँगी, 3 से 4 मरतबा हमने बेवल देना है। यहाँ मैं डन कर दूँगी इसको, यहाँ से मैं इसका ब्लाइंड मोड लाइटन कर दूँगी, यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं अब फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगी और FX में जाऊँगी, यहाँ से मैं ग्लो पे क्लिक करूँगी, कलर वाइट कर दूँगी और ब्लर इसका 0.6 कर दूँगी, डन कर दूँगी इसको। यहाँ पे यहाँ से मैं सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से मोड प्लस कर दूँगी और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, मैं ये जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से डन कर दूँगी इसको। यहाँ से अब मैं फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ एंड पे जाऊँगी, यहाँ से मैं फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं नॉइस पे क्लिक करूँगी और इसकी अमाउंट मैं 30 कर दूंगी और डन कर दूंगी इसको। यहाँ पे यहाँ से मैं इसको डिसलेक्ट करूंगी, यहाँ से इसको डिसलेक्ट कर दूंगी, यहाँ से मैं थर्ड लेयर को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं पेंसिल में जाऊंगी और सिलेक्ट पिक्सल करूंगी, यहाँ से सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लूँगी, डन करूँगी, यहाँ से एंड पे जाऊँगी और यहाँ फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करूँगी, यहाँ इसकी विड्थ मैं 12 कर दूँगी, कलर वाइट और डन कर दूँगी इसको। यहाँ पे यहाँ से मैं पेंसिल में जाऊँगी और यहाँ से इसको डिसलेक्ट करूँगी, यहाँ डन कर दूँगी, यहाँ से मैं FX में जाऊँगी और यहाँ से मैं बेवल पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं इसको 5 कर दूँगी, ब्लर 5, डिस्टेंस भी 5 और एंगल 180 कर दूंगी, कलर वाइट डन कर दूंगी इसको। यहाँ पे यहाँ से मैं फिर FX में जाऊंगी और यहाँ से मैं फिर बेवल पे क्लिक करूंगी, यहाँ से मैं फिर इसका एंगल 45 कर दूंगी और डन कर दूंगी, यहाँ से फिर FX में जाऊंगी और बेवल दूंगी, यहाँ से मैं एंगल इसका 135 कर दूंगी और डन कर दूंगी, यहाँ से फिर मैं FX में जाऊंगी और यहाँ से फिर बेवल पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं इसका एंगल 0 कर दूंगी, यहाँ से फिर मैं FX में जाऊंगी और बेवल पे क्लिक करूंगी, यहाँ से इसका एंगल मैं 90 कर दूंगी और डन कर दूंगी, यहाँ से मैं टू लाइंस पे जाऊंगी और यहाँ से मैं कट पे क्लिक करूंगी, यहाँ इसकी सेटिंग कर लूंगी मैं, यहाँ इसको डन कर दूंगी। आपने भी इसकी सेटिंग ऐसे ही रखनी है,
यहाँ इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इफेक्ट्स में जाऊँगी और यहाँ मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं ओल्ड सेपिया पे क्लिक करूँगी, डन कर दूँगी। यहाँ से इसकी सेचुरेशन 100 कर दूँगी, डन कर दूँगी इसको यहाँ से। और मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी इसे। यहाँ से मैं सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से मैं इसको पिक्सल सेलेक्ट कर लूँगी, यहाँ से सारे को जो रहता है उसको सिलेक्ट कर लूँगी जल्दी जल्दी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूँगी और डन कर दूँगी। यहाँ से इसको डिसलेक्ट करूँगी, यहाँ से इसको डिसलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं एफएक्स में जाऊँगी। यहाँ से बेसिक पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इसको बेवल दूँगी। इसको मैं ब्लर 40 कर दूँगी, डिस्टेंस 40 कर दूँगी, एंगल 180 कर दूँगी, कलर वाइट डन कर दूँगी। इसको मैं यहाँ से फिर एफएक्स में जाऊँगी और यहाँ से फिर इसको बेवल दूँगी, एंगल इस बार 45 कर दूँगी, डन कर दूँगी। यहाँ से फिर एफएक्स में जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको बेवल दूँगी, यहाँ अब इसका एंगल मैं 135 कर दूँगी, डन कर दूँगी। मैं यहाँ से फिर एफएक्स में जाऊँगी और यहाँ से इस बार इसका एंगल 0 कर दूँगी और डन कर दूँगी। फिर से मैं एफएक्स में जाऊँगी और इसका एंगल 90 कर दूँगी, डन कर दूँगी। यहाँ से मैं टू लाइंस में जाऊँगी और यहाँ से कर्व पे क्लिक करूँगी, यहाँ इसकी सेटिंग ऐसे कर लूँगी और इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ से मैं इस लेयर में जाऊँगी, यहाँ से मैं एफएक्स में जाऊँगी और यहाँ से मैं टिंट पे क्लिक करूँगी और यहाँ मैं कलर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं ये वाला कलर ले लूँगी और डन कर दूँगी। यहाँ से मैं फिर इस लेयर में आऊँगी और यहाँ इसको सिलेक्ट कर लूँगी और फिर मैं इसमें जाऊँगी, यहाँ से मैं एफएक्स में जाऊँगी, यहाँ से फिर टिंट पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं कलर ऐड करूँगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी। यहाँ से फिर मैं इस लेयर पे आ जाऊँगी, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लूँगी। फिर मैं इसमें जाऊँगी, यहाँ से फिर मैं एफएक्स में जाऊँगी, यहाँ से मैं टिंट पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं कलर ऐड कर लूँगी कोई भी। यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी, यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी, यहाँ से मैं इसको डिसलेक्ट करूँगी, यहाँ से इसको डिसलेक्ट कर दूँगी और डन कर दूँगी। यहाँ से अब मैं सबकी एक एक डुप्लीकेट ले लूँगी, सबकी डुप्लीकेट लेयर ले लूँगी और डन कर दूँगी। गाइस हमारा ग्लास फाउंड डन हो गया। अब इसमें हम PNG ऐड करेंगे। मैं अब इसमें PNG लगाऊँगी, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से PNG ले लूँगी, यहाँ से मैं ये वाला PNG ले लूँगी और यहाँ इसको एडजस्ट करूँगी, यहाँ इसको डन कर दूँगी। यहाँ से इसकी एक कॉपी लूँगी, यहाँ से इसको पेस्ट करूँगी, यहाँ डन कर दूँगी। फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगी, यहाँ इसको डन कर दूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस है। सबको मैं डन कर दूँगी, यहाँ से सबको मैं मार्डन करूँगी, डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इसको लेके सबसे एंड में DP से ऊपर और लेयर से नीचे रखूँगी। गाइस अब मैं एक और PNG ऐड करूँगी। इसमें मैं यहाँ से ये वाला PNG ले लूँगी और यहाँ इसको एडजस्ट करूँगी, यहाँ इसको डन कर दूँगी। यहाँ से इसका ब्लाइंड मोड मैं स्क्रीन कर दूँगी और डन करूँगी। यहाँ से मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँगी, ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट करूँगी इसको, यहाँ इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लूँगी, डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी, ट्रांसफॉर्म कर लूँगी, यहाँ से इसको एडजस्ट करूँगी। अब मैं इनको यहाँ से मार्डन कर दूँगी, यहाँ इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं एक और PNG ऐड करूँगी, यहाँ से मैं ये वाला PNG ले लूँगी, यहाँ मैं इसका ब्लाइंड मोड स्क्रीन कर दूँगी और यहाँ से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी, यहाँ मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगी,
यहाँ इसको डन कर दूंगी। यहाँ से मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले लूँगी और यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी। यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इनको मार डन कर दूँगी। यहाँ से मैं इनको मार डन कर दूँगी। यहाँ से मैं एक और PNG ऐड करूँगी। मैं यहाँ से ये वाला PNG ले लूँगी। यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी इसमें। यहाँ इसको डन कर दूँगी। यहाँ से इसकी कॉपी लूँगी एक और यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ मैं इसको डन कर दूँगी। मैं जल्दी जल्दी सबको ऐड कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस है, आप भी जल्दी जल्दी कर लेना। यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगी। गाइस हमारा ग्लास फोन डन हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपने दोस्तों के ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि सब मुझे सपोर्ट करें। अब मैं आपको यहाँ से DP सेव करने का तरीका बताऊँगी। यहाँ सेव पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, डन करना है। यहाँ से DP पे क्लिक करना है। यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। डन हो गया। अल्लाह हाफिज़।